एरर थर्मिस्टर की एरर होती है। ज्यादातर सैमसंग के फोन में ये वाली एरर आती है। इस एरर के बारे में आज हम समझते हैं, पता है ना इस एरर के बारे में? ओप्पो वीवो के अंदर अलग तरह से लिखा हुआ आता है। उसके अंदर जो एरर होती है उसके लिए थर्मिस्टर जिम्मेदार होता है। दो तरह से, एक थर्मिस्टर होता है जो बैटरी के अंदर होता है, ओप्पो वीवो सब में बैटरी के अंदर होता है। जब किस में बैटरी के अंदर हो या किस में बैटरी के बाहर हो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले बैटरी के अंदर देखेंगे हम, बैटरी का कनेक्टर निकाल के उसमें TH और ID लिखा होगा। जिसके अंदर TH और ID लिखा होगा उसके अंदर थर्मिस्टर बैटरी कनेक्ट बैटरी के अंदर होगा, पर उसका रजिस्टर बोर्ड पे होगा, सर्किट के ऊपर। तो दो कंडीशन दिखाई दिए, ये ओप्पो वीवो वाली जिसके अंदर थर्मिस्टर बैटरी के अंदर होगा, बैटरी के अंदर, और ये है सैमसंग वाला जिसके अंदर थर्मिस्टर बोर्ड के ऊपर होगा। तो मैं थर्मिस्टर का वर्क समझाता हूँ, आपको पता ही है थर्मिस्टर का वर्क। तो सर्किट कितनी गर्म हुई है, सर्किट कितनी हीट हुई है, वो जानकारी सीपीयू को प्रोवाइड करना, ये थर्मिस्टर का वर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे एरर आती है। सबसे पहले जब चार्जिंग की पिन हम डालते हैं तब चार्जिंग IC एक वोल्टेज प्रोवाइड करती है जो इस रजिस्टर के थ्रू थर्मिस्टर तक जाता है। इसके अंदर थर्मिस्टर बैटरी के अंदर है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, बैटरी के अंदर है। बैटरी के अंदर जाके वो सिग्नल सीपीयू को प्रोवाइड करता है। अगर ये सिग्नल सीपीयू को नहीं मिलता तो हमारी जो वो एरर आती है टेम्परेचर वाली, वो एरर आएगी। वही कंडीशन इसके अंदर है, चार्जिंग की पिन डालेंगे, चार्जिंग या तो पावर IC एक वोल्टेज प्रोवाइड करती है इस रजिस्टर को, ये रजिस्टर थर्मिस्टर को वोल्टेज प्रोवाइड करता है और थर्मिस्टर सिग्नल देता है सीपीयू को। अगर ये सिग्नल सीपीयू को नहीं मिलता तो ये प्रॉब्लम आती है जो हम देखे टेम्परेचर एरर वाली। तो ज्यादातर मैं बताऊं कि थर्मिस्टर 99.99 खराब नहीं होता। मैंने जब तक मेरे मोबाइल जितना मेरा एक्सपीरियंस है, थर्मिस्टर खराब नहीं होता, उसका रजिस्टर खराब होता है। या तो उसका रजिस्टर खराब है या तो उसको प्रॉपरली वोल्टेज नहीं मिलता। उसको वोल्टेज कहाँ से मिलता है? दो जगह से मिलता है, एक चार्जिंग IC या तो पावर IC, दोनों जगह से नहीं, या तो बोल रहा हूँ या तो पावर IC से आएगा या तो चार्जिंग IC से आएगा। अब बता दो कैसे पता चलेगा कि वो चार्जिंग IC या पावर IC से? तो उसके लिए आपको स्कीमेटिक देखना पड़ेगा, स्कीमेटिक से हमें पता चल जाएगा कहाँ से वोल्टेज आता है। लेकिन सर देखें तो हमें यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, अगर यहाँ से वोल्टेज आया तो फिर ये रजिस्टर के अंदर जाएगा और फिर ये इस थर्मिस्टर के अंदर जाएगा और थर्मिस्टर फिर यहाँ पे सिग्नल देगा। यहाँ पे वोल्टेज ही नहीं मिला तो प्रॉब्लम होगा। जब ये रजिस्टर खराब होगा तब यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा। तो बैटरी के अंदर है या बोर्ड के अंदर है? अगर बैटरी के अंदर है तो बैटरी के ऊपर लिखा होगा थर्मिस्टर कहाँ है। फिर थर्मिस्टर की ये वाली लाइन से हम ट्रेसिंग करेंगे और ये रजिस्टर को ढूंढ लेंगे। अगर ये रजिस्टर वहाँ पे नहीं मिलता या तो खराब मिलता है तो हम जज कैसे करेंगे कि वो रजिस्टर खराब है? तो जितने किलो ओम्स का ये थर्मिस्टर है उतने किलो ओम्स का यहाँ पे रजिस्टर होगा। समझो कि यहाँ पे थर्मिस्टर 65 किलो ओम्स का है, तो यहाँ पे थर्मिस्टर और रजिस्टर जो हम डालेंगे वो 55 से लेके 65 तक डालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत 10 का डिफरेंट चलता है, अगर कभी नहीं चला तो 5 के डिफरेंट का डालेंगे और नहीं सेम टू सेम हमें रजिस्टर मिल गया तो काम अपना बन गया। यही चीज इसके अंदर लागू होती है। अब यहाँ पे रजिस्टर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रजिस्टर है? तो मैंने पहले ही बताया बैटरी का कनेक्टर है उसमें लिखा होगा TH, तो हमें पता चलेगा बैटरी के कनेक्टर की ये वाली लाइन। यहाँ से हम ट्रेसिंग करेंगे पूरे बोर्ड के अंदर तो हमें रजिस्टर मिल जाएगा। या तो डायग्राम हो अपने पास या तो दूसरा कोई वर्किंग सेट हो, उसे हम रजिस्टर तक पहुँच जाएंगे। ज़्यादातर ये रजिस्टर ही खराब होता है। अगर रजिस्टर PSI वोल्टेज आया तो समझ लो कि बाकी का चार्जिंग IC पावर IC वाला मसला हमारा सॉल्व हो गया। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आया तो फिर चार्जिंग IC या पावर IC चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज आया और ये साइड नहीं आया तो ये रजिस्टर बदलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे, यहाँ से जैसे ही चार्जिंग की पिन डालेंगे यहाँ से वोल्टेज बाहर निकलेगा और रजिस्टर पे जाएगा, रजिस्टर के बाहर से निकल के थर्मिस्टर पे जाएगा, तो ये सिग्नल देगा CPU को। अगर यहाँ पे कटिंग हो गया मतलब वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो चार्जिंग IC या पावर IC चेंज करेंगे, और अगर यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है तो हम इसका रजिस्टर चेक करेंगे और रजिस्टर को बदलेंगे।
कैसे पता चलेगा कितने वोल्ट कितने किलो ओम्स का है? ये जितने थर्मिस्टर जितने किलो ओम्स का होगा, किलो ओम्स को मैंने नापना सिखाया ना अपना दोनों साइड ओम्स मोड के अंदर, ओम्स मोड के अंदर मीटर को रखेंगे और नापेंगे यहाँ से ऐसे, तो पता चलेगा कितने किलो ओम्स का वही थर्मिस्टर है। वो कैसे पता चलेगा? मैंने बताया था दोनों साइड डायोड मोड में ऐसे रखेंगे और फिर सोल्डर या हीट गन से इसके ऊपर हीट करेंगे तो वैल्यू एकदम डाउन होगी। तो इसे हमें थर्मिस्टर भी ढूंढना आसान हो जाएगा अगर हमारे पास स्कीमेटिक नहीं है तो। स्कीमेटिक है तो बात ही खत्म, तो पता ही चल जाएगा थर्मिस्टर कहाँ है। लेकिन थोड़ा बहुत भी कभी भी थर्मिस्टर पे डाउट हो कि ये वाला थर्मिस्टर है तो हम उसके ऊपर डायोड मोड रखेंगे और दोनों सिरे दोनों प्रोब को मल्टीमीटर के ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हीट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यही वाला थर्मिस्टर है। मनीष भाई हीट એટલે રેન વોટર દે ઓર हां સોલ્ડર उसके ऊपर टच करेंगे डाउन दे वैल्यू एकदम से डाउन होगी, एकदम से डाउन होगी। जैसे ही सोल्डर ले लेंगे वैल्यू एकदम प्लस होगी। और कोई पार्ट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ थर्मिस्टर के अंदर ऐसा होता है, इसलिए थर्मिस्टर को पहचानना आसान हो जाएगा। जैसे दिखता है थर्मिस्टर एकदम कैपेसिटर जैसा, थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन थर्मिस्टर को पहचानने का एक ऐसा कर सकते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, तो ये रजिस्टर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज आता होगा, अगर नहीं आता तो हमें पता चल जाता। हम लाइव में एक फोन देखेंगे अभी जो आया है थर्मिस्टर का प्रॉब्लम वाला, उसके अंदर कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। जब ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगा तभी आपको पता चलेगा किस हिसाब से होगा, और तभी मैं एक से दो बार आपको समझाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। आपने जो बोला तो आपको वोल्टेज चेक करना है रजिस्टर, तो चार्जिंग इन करके वोल्टेज, वोल्टेज कभी भी चेक करो ना, तो बैटरी डालो और चार्जिंग की पिन डालो तो पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगा कैसे करना है। यहाँ पे वोल्टेज नापेंगे तो पता चल जाएगा, जब चार्जिंग की पिन या बैटरी नहीं डालेंगे तो उसमें वोल्टेज कैसे आएंगे। तो बैटरी तो इन रहेगी अपनी, उसमें सिर्फ वही पूछ रहा हूँ चार्जिंग पिन डालना है। चार्जिंग पिन तो कंपलसरी, जब भी मैंने बताया कि जब भी आपको वोल्टेज चेक करना है तो बैटरी भी डालना है और चार्जिंग का पिन भी डालना है, कहीं भी, चाहे आप पावर आईसी पे चेक करो, चार्जिंग आईसी पे चेक करो। हाँ, फोन ऑन हो रहा है, फोन ऑन हो रहा है तो फिर हमें चार्जिंग की पिन डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि फोन ऑन हो रहा है तभी हम चेक कर सकते हैं कहाँ पे वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन फोन डेड कंडीशन में हो या ऐसा ही प्रॉब्लम हो चार्जिंग का, डेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये चार्जिंग के प्रॉब्लम तभी आएगी जब, ये थर्मिस्टर वाली प्रॉब्लम तभी आएगी जब चार्जिंग की पिन डाले, तभी हमको पता चलेगा कि इसके ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ऐसा वैसे हम लिखेंगे ना गूगल पे लिख देंगे या कहीं और, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका थर्मिस्टर कहाँ है। 50-70% तक गूगल वाले हमें जवाब दे देते कि इसका थर्मिस्टर कहाँ है। अरे तो ना पता चले कि कहाँ पे है तो स्कीमेटिक, और भी फिर भी ना पता चले तो हम डाउट कर सकते हैं ये वाला इसका थर्मिस्टर हो सकता है। फिर मैंने जो थियरी दी उस हिसाब से नापेंगे तो पता चल जाएगा।